हो जाती है। लेकिन इन्होंने जो मुझे इस गोल्ड फेस क्लींजर और फेस सीरम के बारे में बताया, तो मैंने कंटिन्यू 1 मंथ इसको यूज किया है और आप देख सकते हैं फेस पे ग्लो कैसा है। और जैसे जैसे इन्होंने बोला मैंने वैसे ही ठीक उसको यूज़ किया है। बहुत सारे लोग होते हैं कि प्रोडक्ट को रेगुलरली यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन जैसे बताया वैसे यूज़ किया और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। मेरी स्किन एकदम ग्लोइंग हुई, स्किन पे एकदम शाइन, एकदम चमक के साथ है। और बात करूँ तो जितने भी फेशियल हम इतने महंगे महंगे करवाते हैं, तो आई थिंक जो 30 दिन मैंने करवाया शायद मैंने 1 साल का इसका फेशियल साथ में ही ले लिया है, तो मुझे पार्लर पे फेशियल करवाने की भी जरूरत नहीं फील करती हूँ। सुनिया जी, मैं जानना चाहता हूँ कि आपने इसको यूज़ कैसे किया? सर पहले मैं शाम को सुबह क्लींजर करती हूँ, क्लींजर फेस में 1 या 2 मिनट तक रब करती हूँ पानी के साथ और उसको 1 मिनट छोड़ देती हूँ, उसके बाद उसको वॉश करती हूँ। लेकिन फेस सीरम मैं रात को ही यूज़ करती हूँ क्योंकि आपने बोला था कि धूप में यूज़ नहीं करना है, तो फिर मैं रात को सोने से पहले जब मेरा सारा काम हो जाता है तो मैं दोबारा क्लींजर करती हूँ, क्योंकि जितनी भी फेस पे धूल मिट्टी वगैरह पहले वो क्लीन करके उसके बाद हल्का गीला फेस होता है। तो इस फेस सीरम की मैं ड्रॉप लेती हूँ 1, 2, 3 और हल्के हाथ से उसको पीछे की तरफ रब करती हूँ और रिलैक्स होके फिर सो जाती हूँ। सिर्फ इतना ही करती हूँ और बाद में फील करती हूँ कि जब मैं इसको लगा के यूज़ करके जब लेटी होती हूँ तो 15-20 मिनट फील होता है मुझे कि मेरी स्किन पे कुछ काम चल रहा है, अलग से फील होता है। तो थैंक यू करती हूँ सर, आपने इतना अच्छा प्रोडक्ट मुझे बताया और मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स को बताया इस प्रोडक्ट के बारे में। थैंक यू सर। मैम ये तो आपका बड़प्पन है, आपको थैंक यू हमें TIG को करना चाहिए जिन्होंने थैंक यू करती हूँ सक्सका जिन्होंने इस बेहतरीन प्रोडक्ट को बनाया है, मिस्टर विशाल सहगल जी, जैसे कि सरवन सर ने बताया था कि वो हमारे नॉर्थ इंडिया के फर्स्ट रैंक के साइंटिस्ट हैं मिस्टर विशाल सहगल जी, तो थैंक यू करते हैं क्योंकि बहुत सारी ऐसी लेडीज है जिनको ये पता नहीं होता और मार्केट के पता नहीं कैसे कैसे प्रोडक्ट वो यूज़ करती है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल होता है, और जैसे जैसे ब्यूटिशियन हमें बता देते उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ें ले लेती हैं क्योंकि हमें उस चीज़ की नॉलेज नहीं होती है। थैंक यू विशाल सर, थैंक यू TIG जिसने ऐसे प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आए हैं। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर।